आर्थिक तंगी से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका में जल्द ही नई सरकार बन सकती है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर पूरी तरह से कब्जा जमा चुके हैं। कैसे बर्बाद हुआ श्रीलंका, बताएंगे न्यूज क्लिक की इस वीडियो में। सिर्फ 2,19,00,000 की आबादी वाला देश श्रीलंका इस हद तक गरीब हो गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी खजाना खाली हो चुका है। श्रीलंका का विदेशी कर्ज $50 बिलियन से अधिक है। इसका 50% हिस्सा बाजार से लिया हुआ उधार है। कई महीनों से आर्थिक संकट झेल रहे देश में महंगाई आसमान छू रही है। तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल जैसी जरूरी चीजें बेहिसाब महंगी हो गई हैं। फूड इन्फ्लेशन जून के महीने में 80% पर था। पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए लोग कई दिनों तक इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। दूध पाउडर जैसी रोजाना की जरूरी चीजें भी नहीं मिल रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक श्रीलंका की तकरीबन 2.2 करोड़ आबादी में से तकरीबन 49,00,000 आबादी ढंग से खाने का इंतजाम नहीं कर पा रही है। कोविड की वजह से विदेशों में काम करने वाले श्रीलंकाई लोगों की नौकरी चली गई है, जिससे उनके जरिए भेजे जाने वाली आमदनी में कमी हुई है। कहते हैं कि जब जनता की जेब पर हमला होता है तो सरकारें गिर जाती हैं। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ है। देश की जनता 3 दिन पहले सड़कों पर उतर आई, जिसकी वजह से राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे को फरार होना पड़ा। उन्होंने इन प्रदर्शनों के कारण अपने इस्तीफे की घोषणा भी कर दी है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने जनता के हालात सुधारने का वादा किया था, जो जाहिर तौर पर पूरा नहीं हुआ है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड श्रीलंका को बेलआउट पैकेज जारी कर सकता है, जिससे देश की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। इससे देश के लिए अधिक दीर्घकालिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। श्रीलंका पर संकट की अहम वजहें क्या हैं? दशकों की खराब नीति ने श्रीलंका को आयात पर भारी निर्भर बना दिया है और श्रीलंका के पास पैसे की कमी है। 2019 में सरकार ने टैक्स में कटौती की घोषणा की, इससे सरकार की आमदनी भी कम हुई। श्रीलंका काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर है। श्रीलंका की 25% आबादी टूरिज्म से जुड़ी हुई है। 2019 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने और कोरोना काल में प्रतिबंधों की वजह से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर खासा प्रभावित हुआ है। कोविड की वजह से विदेशों में काम करने वाले कई श्रीलंकाई लोगों की नौकरी चली गई है, जिससे उनके जरिए भेजे जाने वाली आमदनी में भी कमी हुई है। श्रीलंका की सरकार ने देश में एक झटके में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगाया। किसानों पर लादे गए इस फैसले की वजह से श्रीलंका का एग्री प्रोडक्शन 40-50% तक कम हो गया था। आखिर श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है, इस पर हमने बात की न्यूज क्लिक के प्रबीर पुरकायस्ता से। देखिए, पहले की जो बात है कि आर्थिक संकट लोगों को रास्ते में लाया, और इसके साथ साथ जैसे गुस्सा बढ़ता गया, तो मूल जो गुस्सा है इस वक्त वो राजापक्षे क्लैन जिसे कहते हैं उनके ऊपर है, क्योंकि प्रेसिडेंट राजापक्षे है, प्राइम मिनिस्टर राजापक्षे है, पावर मिनिस्टर राजापक्षे है। तो ये देखते हुए लग रहा था कि राजापक्षे की सरकार है। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्षे है, जो कि एक वक्त जो है मिलिट्री के काफ़ी क्या कहेंगे कि इम्पोर्टेंट फिगर थे, जिसके वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है कि वहाँ पर जो नॉर्थ की तमिल जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट को हटाने के लिए जो उन्होंने किया था, उस पर काफ़ी एट्रोसिटीज़ की बात थी। और इसके बाद भी वो चीज़ें कि श्रीलंकन एक मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे कहेंगे, वो गोटाबाया के साथ जुड़ा हुआ था। तो एक तो गोटाबाया के भूत भी है इसमें, और एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट हूँ मैं, मेरा सब कुछ चलना चाहिए, ये भी था। और जिस तरह से सब राजापक्षे को भरा गया, बढ़ाया गया, तो राजापक्षे के ऊपर बहुत बड़ा गुस्सा था, और ख़ास तौर से केंद्रित था ये गोटाबाया पे। जो स्लोगन था इस मूवमेंट का पूरा, गोटा गो होम, गोटा गो, ये जो था, तो ये जो स्लोगन था गो गोटा गो, ये चीज़ जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम भूमिका प्ले कर रही है, जिसके वजह से लोग फिर दोबारा सड़क में आए। पहले बार जब आए थे तो लगा था उनको कि गोटाबाया जाएगा, नया कोई एक ऑल पार्टी सरकार बनेगी जिसकी कुछ लेजिटिमेसी होगी IMF वगैरह से नेगोशिएट करने के लिए, कर्ज़ा माफ़ी और कर्ज़ा की कुछ अवधि बढ़ाए जाए, नया कुछ पैसे दिए जाए, कर्ज दिए जाए, जिससे उनकी इकोनॉमी फिर चलना शुरू करेगा। पर उसके जगह पर क्या हुआ, महिंद्र राजापक्षे प्राइम मिनिस्टर तो गया, पर गोटाबाया जो प्रेसिडेंट था वो नहीं गया। और लगा
कि वो फिर वापस अपना कंट्रोल कभी ना कभी फिर कायम करेगा। रानिल विक्रमसिंघे के भी वो उस तरह की पोजीशन नहीं है, क्योंकि बहुत कमज़ोर थे पार्लियामेंट में और उनको स्टॉप गैप रूप में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो मुख्य चीज़ जो था कि वो गोटाबाया के खिलाफ नहीं बोल रहे थे और गोटाबाया को प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, आपको जाना पड़ेगा। और ये जो एक लगा कि गोटाबाया रह जाएगा, शायद कुछ प्रेसिडेंशियल पावर छोड़ देगा, पर मूलतः गोटाबाया प्रेसिडेंट रह जाएगा, इसीलिए लोग सड़क पे आए। और क्योंकि IMF की तरफ से अभी भी कर्जा नहीं आया है, उनको भी लगता है कि एक देश में अस्थिरता है और इस अस्थिर स्थिति में वो कर्जा नहीं देना चाहते, सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी इस वक्त नहीं है। ये देखते हुए गोटाबाया का जाना और इस क्राइसिस से निकलना जुड़ा हुआ है। जब तक गोटाबाया नहीं जाएगा तब तक ये क्राइसिस ख़त्म होने वाला नहीं है। अब देख ही सकते हैं गोटाबाया की इस वक्त ये हालत है कि उसकी इमिग्रेशन ऑफिशियल्स भी उसका पासपोर्ट उसके VIP रूम में आके स्टैम्प नहीं कर रहा है, कह रहा है आप जनता के साथ खड़े होइए। तो ये देखते हुए मूल चीज़ जो है गोटाबाया का जाना इस वक्त श्रीलंका में, अगर इस संकट से उभरना है तो मुख्य चीज़ यही है कि गोटाबाया का जाना, और ये कब तक होगा कैसे होगा ये हमको देखना पड़ेगा। श्रीलंका में मुख्य विपक्षी दल समागी जन बलवेगाया और बाकी विपक्षी पार्टियों ने रविवार को बैठक की और सरकार बनाने पर विचार किया। लाखों श्रीलंकाई लोगों को लगता है कि अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है और इसलिए उन्हें भविष्य का डर सता रहा है।